नमस्कार। यह वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ सुभारती मेडिकल कॉलेज के लिए, और क्योंकि तो फिर से जैसा मैंने कहा कि इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे 2023 में अगर आप पीछे जाओगे 6-8 महीने पहले तो मिल जाएंगे। लेकिन मैं वो भी जानता हूँ, यूट्यूब की दिक्कत ये है कि सुभारती के हैशटैग में भी मैंने डाला बट वो ऊपर आ नहीं रहा है। तो चलो आपका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। सुभारती एज ऑफ टुडे इज़ ए नॉन मेनल्टी कॉलेज और उसका पूरा पैकेज वही 68-70 लाख के आसपास पड़ता है। ठीक है, पिछले कई सालों से सुभारती लगातार कोशिश कर रहा है कि वो कन्वर्ट हो जाए बुद्धिस्ट मेनल्टी में, और जैसे बुद्धिस्ट मेनल्टी में कन्वर्ट हो जाएगा उसकी फीस तीर्थंकर महावीर या इरा इंटीग्रल टाइप की, बेसिकली वो अपने फीस को 70 लाख के पैकेज से 1 CR पे लेके जाना चाहता है। और लास्ट ईयर की तो हद ये थी, ये देखिए जो मेरे को ड्रामे हो रहे थे, तो ये नोटिस जो सुभारती ने निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई हम आपको बता रहे हैं, और बहुत सारे डेट्स लेटर बताए गए कि इस रिस्पेक्ट टू दिस लेटर दिस लेटर दिस लेटर इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए बौद्ध मेनल्टी कॉलेज, और बड़े सारे डेटेड लेटर दिखे गए। मैं उस पर अभी डिटेल में जाकर आपका समय नहीं ख़राब करूँगा। उसके अगेंस्ट सोचिए ये लेटर आ रहे हैं, मतलब ये आपको आज भी सुभारती की वेबसाइट पर नज़र आ रहा है, राइट। और ये देखिए DGME का लेटर का रिप्लाई करा सुभारती ने, मतलब इट वाज अ रियली, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, इट वाज अ कैट फाइट बिटवीन सुभारती मेडिकल कॉलेज एंड DGME ऑफ उत्तर प्रदेश। और उसके बाद फाइनली ये हुआ कि एक बार तो DGME ने ये भी अप्रूव कर दिया था कि इसकी 100 सीट्स नॉर्मल और 100 सीट्स मेनल्टी में डाल दी थी, इस तरह से नोटिस भी निकाल दिया गया था। बट ये सब करने के बावजूद उसके बाद वापस उसको चेंज कर दिया गया, और यहीं पर उनको सबसे ज़्यादा सुभारती को प्रॉब्लम दी। सुभारती का एक बार ये भी आ गया था, और ये ऐसा लग रहा था कि यूपी DGME का कागज़ है 4 जुलाई को, लेकिन फिर कुछ तो ऐसा हुआ कि जैसे जैसे लेटर आगे बढ़ते गए, देखिए सुभारती ने वो लेटर नहीं डाला जिसे मना किया गया, पर ऐसे बहुत सारे लेटर डाले गए। जैसा मैंने कहा कि आज भी सुभारती के आप होम पेज पर जाके इनका ये क्लिक करोगे तो आपको सारे लेटर्स और सारे नाटक नज़र आएंगे। ठीक है, इन नाटकों की वजह से जो इतने सारे लेटर थे, इन सारे देखिए सारे लास्ट 2023 2022 की डेट के हैं, अपनी जान में फिर इन्होंने ये एग्रीमेंट भी बच्चों से बोला, जो भी इस समय फीस जमा कराने जा रहा था सबसे एग्रीमेंट साइन कराया गया कि भाई आप ये सोच समझ के एडमिशन ले रहे हैं, कल को हमारी फीस इंक्रीज हो गई तो आपको हमारी इंक्रीज फीस देनी पड़ेगी। और यही वजह है कि मैंने वीडियो बनाया था, और देखिए इन सब लेटर से तो यही लग रहा था कि वो बौद्ध मेनल्टी बन गया। अब मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि सुभारती एक डिसेंट कॉलेज है, मैंने बोला गुड कॉलेज है, कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मेरे 400+ नंबर आ रहे हैं तो फिर तो मैं गुड कॉलेज सुभारती लूँ। और तो सुभारती भी जो मैंने कहा कि एक वीडियो आपने देखा होगा कल यूपी का कि शारदा सुभारती मुजफ्फरनगर दे ऑल आर लाइक गुड, अब गुड भी तो बहुत बड़ा शब्द है ना, हम श्री गुरु राम राय को भी गुड ही बोलते हैं बिकॉज उसको गुड बोलेंगे तो फिर जॉली ग्रांट को वेरी गुड बोलना है ना, या उसको हम ग्रेट बोले। अब समस्या ये है कि हाँ, लेकिन अगर मुझे 1 CR खर्च करने हैं या 1.05 खर्च करने हैं, फिर तो बाबा आई विल गो विद जॉली ग्रांट या श्री गुरु राम राय है ना इन देहरादून विद विजा विज सुभारती। सो TMU मुरादाबाद भी एक गुड कॉलेज है, पर वो महंगा पड़ता है, इसलिए तो उसको 250 नंबर वाले 300 नंबर वाले लेते हैं ना। और जनरली सुभारती में बच्चे जा रहे हैं 450 480+, अब 480+ वाले के पास तो और बहुत ऑप्शंस हैं, तो 480+ वाला स्टूडेंट यूपी में एडमिशन इसीलिए ले रहा है ना कि आपको शारदा में श्री राम मूर्ति में हिंद बाराबंकी में मुजफ्फरनगर वगैरह हर जगह आपका काम 70 के नीचे हो रहा है। बट अगर आपको 1 CR खर्च करने हैं, ठीक है, देखिए सुभारती को इशू नहीं, सुभारती को 500+ नंबर वाले बच्चे नहीं चाहिए, सुभारती को 1 करोड़ फीस चाहिए, चाहे उसको 500 के बदले अब 300 नंबर वाले बच्चे मिले, और वही हो रहा था। लेकिन हमको अगर 500+ नंबर हैं, 480 के आसपास हैं, 460 के आसपास हैं, तो फिर और वेरी गुड कॉलेजेस हमारे लिए अवेलेबल है ना, तो फिर हम सुभारती को लेंगे। तो ये कन्फ्यूजन थी बच्चों को, जिसकी वजह से फिर भी फर्स्ट राउंड में, सच बताऊँ जो 350 के करीब भी कट ऑफ है वो यही है कि कई बच्चे ऐसे थे जिनको कुछ नहीं पता था, ना उनको वेबसाइट्स का पता था, ना उन्होंने मेरे वीडियो देखे, और वेरी फ्रेंकली इन सबको देख के कई, जो मैं हमेशा कहता हूँ, फ्रॉड एजेंटों ने तो फायदा उठाया। जैसे किसी बच्चे के थ्री, मुझे बाद में पता चला किसी बच्चे के 380 थे,
अब उसको वैसे सुधारते तो मिलना नहीं था, बट जिस तरह शायद मेरे वीडियो सुन के किसी एजेंट्स को पता चल गया कि हाँ भाई इस बार सुभारती कट ऑफ नीचे जाने वाली है, क्योंकि लोगों में डर था कि भाई महंगी फीस हो जाएगी तो हम क्यों देंगे, तो उन्होंने 380 वालों को सुभारती का प्रॉमिस करा के उनसे 5-5 लाख रुपये ऊपर से भी ले लिए, और 5-5 लाख रुपये लेके उनकी काउंसलिंग में फॉर्म भरा और अपने आप उनका नंबर आ गया 380 390 में। लोग बड़े खुश कि देखो ये सुभारती तो हमको खाली 5 लाख फालतू दे के मिल गया। जब वो रिपोर्ट करने गए और ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, हालत टाइट। अब प्रॉब्लम क्या, उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसमें राउंड वन ही फ्री एग्जिट नहीं है। अब लोग फिर घबरा गए क्योंकि भाई वहाँ पहुँच के, जब वहाँ पहुँचे और सुभारती ने एग्रीमेंट सामने पेश करे तो पता चला कि भैया ये तो एग्रीमेंट साइन करना है। एग्रीमेंट साइन में साफ लिखा हुआ है कि फीस, अब जिसका बजट ही 70 लाख था, चलो उसने 4-5 लाख उस एजेंट को दे दिए, अब वो बैकआउट मारे तो यूपी में 2 लाख रुपये का नुकसान हो, वो 2 लाख भी दुख दे रहा है, 5 लाख एजेंट एडवांस में ले चुका है। लोग सोच रहे हैं इतने पैसे खर्च कर ही दिए तो ज्वाइन कर ही लो। इन द मीन टाइम जब राउंड वन की रिपोर्टिंग चली रही थी तो डीजीएमई की तरफ से लेटर आ गए थे कि हमने सुभारती को कह दिया है कि भैया तुम फीस नहीं ले सकते हो, तुम बुद्ध माइनॉरिटी नहीं हो। फिर उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मतलब ये सब लाइव हो रहा था, और जो लोग खैर 5-5 लाख रुपये कमाने थे वो तो कमा गए। तो ये है पूरी कहानी सुभारती लास्ट ईयर की। और देखिए ये मैं कहता हूँ, इस तरह हिंदुस्तान में टोटल 320 के करीब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, किस मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है, किस मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट क्या सोच रही है, उनका व्यू क्या है, उनका परव्यू क्या है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि नाम बार बार लेना अच्छा लगता है, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें हिडन चार्ज इसलिए तो लिया जाता है ना क्योंकि वो मैनेजमेंट लालची है। कई बार लोग मुझे कहते हैं सर हमने सुना है कि फलाना कॉलेज में जबरदस्ती फेल कर दिया जाता है ताकि आपको री अपीयरेंस के नाम से ज़्यादा पैसे लिए जाएं। वंस अगेन, मैनेजमेंट, किस कॉलेज की मैनेजमेंट कैसी है, किस कॉलेज का इन्फ्रा कैसा है, किस कॉलेज का ओपीडी जेनुअन है, किस कॉलेज का ओपीडी बसे गाँव में भेज भेज के लोगों के बीपी चेक कर करके बनाया जाता है। बहुत मेहनत से मैंने ये जानकारियाँ इकट्ठी करी हैं, प्राइमरी रिसर्च प्राइमरली की गई है, बहुत घूमता हूँ मैं ऑफ सीजन में भी, सीजन में भी, जब शायद बाकी काउंसलर आराम कर रहे थे नवंबर से लेके मार्च तक और तभी उन्हें कोई वीडियोस नहीं आ रहे, तब हम, आपको याद होगा दिसंबर का मेरा टूर जब मैं गोवा, मुंबई से गोवा गया था जहाँ मैंने सारी डीम्ड कवर की थी, फिर जनवरी में वो बरेली के कॉलेजेस थे रास्ते में, बरेली के तीनों TMU मुरादाबाद, वो वीडियोस आपको दिखेंगे इस चैनल पे। उसके बाद फरवरी में दोबारा मैं उदयपुर गया, जयपुर गया जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ, और अब आप देखेंगे आने वाले समय में फिर से 4 दिन बाद जयपुर आगरा जाने वाला हूँ जस्ट टू लुक एट दोज कॉलेज। हाँ बीच में लखनऊ भी गया था, लखनऊ के सारे कॉलेज का वीडियो आपको मिलेंगे वो शायद नवंबर दिसंबर के टाइम में, आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द लास्ट सीजन, जैसा मैंने कहा जब बाकी सारे एजेंट आपसे कमाए हुए पैसों को लेके छुट्टियां मनाने जा चुके होते हैं। वो सब मेहनत इसलिए की जाती है ताकि आपको असली में जेनुअनली क्वालिटी कॉलेज मिले, बिकॉज MBBS इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कोर्स, उसमें सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, खासकर नेक्स्ट के ज़माने में। और वंस अगेन, अगर आप चाहते हैं कि आप ढंग से कॉलेज में जाएं, प्रॉपर कॉलेज में जाएं, आपके साथ इस तरह का छल कपट ना हो, तो कॉन्टैक्ट अस ऑन 9643362320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको एक अपॉइंटमेंट दी जाएगी जो कि पेड होगी, एंड उसके बाद जो भी हमारा पैकेज फाइनल होगा, हमारा पैकेज भी देखिए बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो सीधी सी बात है, जितना काम उतना दाम, बिकॉज गवर्नमेंट जिसके अंदर हम होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटा भरते हैं, या वन स्टेट का प्राइवेट 30,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 2 to 4 states 50,000, 4 more than 4 states 75,000, NRI सीट, ओ कोटा सीट, IQ कोटा सीट के लिए 1.5 लाख, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेट नेगोशिएबल सीट उसके लिए हमारा प्राइस वो रहता है। तो जिसको हम जेनुअन डायरेक्ट तरीके से अपने आप 500 नंबर ला के यूपी की सीट मिल रही है, उससे हम बहुत खुशी से 30,000 रुपये ही चार्ज करना चाहते हैं, उससे हमें 1.5 लाख रुपये नहीं चाहिए। ओके, यही हमारा स्टाइल है, यही हमारा रूल है। और आई होप कि आपको इस सुभारती का सारा कार्यक्रम समझ में आ गया, लास्ट ईयर क्या हुआ, इस साल क्या होने वाला है, वी ऑल आर वेटिंग, ऐसी वेबसाइट पे आ जाएगा। वी कीप ऑन चेकिंग नॉट ओनली गवर्नमेंट वेबसाइट्स बट ऑल्सो द वेबसाइट्स ऑफ ऑल द प्राइवेट कॉलेजेस, एटलीस्ट सरकारी में इतनी टेंशन नहीं है, बट प्राइवेट कॉलेज में तो देखना पड़ता है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।